जिला बिलासपुर में फेस्टिवल सीजन को लेकर मापतौल विभाग ने कमर कस ली है। इस दौरान यदि दुकानदार डिब्बे के साथ मिठाई का वजन करता है तो इस तरह के दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी। जानकारी के अनुसार मापतौल विभाग की ओर से जिला बिलासपुर में इस प्रक्रिया के अंतर्गत 19 दुकानदारों के चालान किए गए। नियमों की अवहेलना पाए जाने के चलते विभाग की ओर से इन दुकानदारों से 62,000 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। हालांकि समय समय पर दुकानदारों को इस मसले के लिए जागरूक भी किया जाता है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो नियमों की अवहेलना करना अपनी शान समझते हैं, जिसके चलते मापतौल विभाग की ओर से इस तरह के दुकानदारों पर शिकंजा कसा गया और चालान भी किए गए। नमस्कार, मैं सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान बिलासपुर। बिलासपुर मंडल में पिछले मंथ हम लोगों ने मार्केट इंस्पेक्शंस की थी, जो रेगुलर इंस्पेक्शन थी। उसके अलावा स्पेशल इंस्पेक्शन कैंपेन चल रहा है मिठाई के ऊपर, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है और ये देखा जा रहा है कि मिठाई विक्रेता जो है वो डब्बे के साथ मिठाई को तोड़ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने इंस्पेक्शंस की थी, उसके रिगार्डिंग चालान भी हुए हैं। पिछले मंथ हम लोगों ने 19 इंस्पेक्शंस की हैं, पैकेजेस की, मिठाइयों की, पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप में जो है उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। हाँ, गैस एजेंसी से रिलेटेड शिकायत आई थी कि गैस एजेंसी वाले जो हैं सिलेंडर बिना तोले दे रहे हैं। तो लोगों से भी अपील करूँगा और गैस एजेंसी वालों को भी आगाह करूँगा कि वो लोग जब भी सिलेंडर डिलीवर करें तो उसका वेट करा करें, और वैसे ही मिठाई वाले भी वो भी इसको डब्बे को इंक्लूड ना करें। तो पिछले महीने हमने 19 लोगों के फर्स्ट ऑफेंस कंपाउंड किए हैं, इसमें 62,000 पे हमने जुर्माना भी डाला है। बाकी अभी ये इंस्पेक्शन रेगुलर चलती रहेगी जब तक फेस्टिवल सीजन है। अगर लोगों को कोई भी शिकायत इससे रिलेटेड होती है तो वो CM संकल्प हेल्पलाइन पे डाल सकते हैं, या जो हमारा डिपार्टमेंटल नंबर है 1967 उस पर डाल सकते हैं, या फिर जो ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 221-715 बिलासपुर का, उस पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अभियान के तहत विभाग की ओर से पेट्रोल पंप का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन पेट्रोल पंप पर कोई खामियां नहीं पाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।